हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा छठी की प्रश्नावली 7.3 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। यहाँ पर हमें दो दो भिन्न दे रखी हैं, तीन पार्ट हैं ए बी सी। तो हमें ये बताना है कि जो भिन्न हमें दी हुई हैं क्या वे भिन्न आपस में तुल्य हैं या नहीं है। तो बच्चों, मैंने पहले बताया था आपको कि तुल्य भिन्न वो होती हैं जिन भिन्नों को सरलतम रूप में लिखने पर, उनको निम्नतम या सरलतम रूप में लिखने के बाद वो दोनों भिन्न एक समान हों, उनके अंश और हर एक समान हो जाएं, तो हम उनको कहेंगे तुल्य भिन्न। तो आइए इनको हल करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों भिन्नों को लिख लिया है। तो पहले हम 5/9 को हल करते हैं। 5/9 है वो सरलतम रूप में है, तो इसको ऐसे कैसा रख देंगे, 30/54 को लेते हैं हम, इसको हम 6 से काट देते हैं, 5 और 9, तो ये हमारे पास सरलतम रूप में आ जाएगा 5/9। अब बच्चों, ये भी 5/9 था पहले से, ये भिन्न और ये भिन्न भी हमारे पास आ गई 5/9। दोनों भिन्न क्या हैं, बिल्कुल एक समान है, तो ये भिन्न आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये भिन्न आपस में तुल्य हैं। 3/10 और 12/50, 3/10 को लिख लिया हमने, ये पहले से अपने निम्नतम रूप के अंदर है। 12/50 को लेते हैं, इसको हम काटेंगे, पहले 2 से काट देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 से काटने पर 6, और ये आ जाएगा 2 से काटने पर 25, 6/25। अब ये आगे किसी से निकटता है तो ये 6/25 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर 6/25 है, ये दोनों भिन्न समान नहीं हैं आपस में, दोनों भिन्नों का मान क्या है, अलग अलग है। तो ये कह देंगे हम यहाँ पर कि तुल्य नहीं है, ये भिन्न आपस में तुल्य नहीं है। सी पाठ करते हैं। 7/13 और 5/11। अब 7/13 पहले से ही निम्नतम रूप में है, 5/11 भी अपने निम्नतम या सरलतम रूप में है, तो ये दोनों भिन्नों को हम आगे काट नहीं सकते, दोनों भिन्न पहले से ही अपने निम्नतम या सरलतम रूप के अंदर लिखी हुई हैं, तो ये दोनों भिन्न अलग अलग हैं। ये 7/13 है और ये 5/11 है, तो यहाँ पर ये दोनों भिन्न क्या होंगी, तुल्य नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भिन्न तुल्य नहीं है, क्योंकि इनके मान दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के मान क्या हैं, अलग अलग, क्योंकि निम्नतम और सरलतम रूप क्या होता है बच्चों, निम्नतम और सरलतम रूप से मतलब है कि अंश में और हर के अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ सांझा गुणनखंड नहीं हो, या सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं अंश और हर एक के अलावा किसी से भी भाग ना जाती हों, तो उसको हम कहेंगे सरलतम या निम्नतम रूप में। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। अब यहाँ पर हमें भिन्नों को सरलतम या निम्नतम रूप में बदलना है, मतलब ये है कि इन संख्याओं को हम तब तक काटते रहेंगे जब तक कि ये अपने निम्नतम या सरलतम रूप में नहीं आ जाएं। तो आइए इनके एक एक पार्ट को हल करते हैं। मैंने सभी भागों को यहाँ पर लिख लिया है। तो पहला है 48/60। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इसको 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से भी भाग हो रही हैं, 3 से भी कट जाएंगी ये और 4 से भी कट जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको शायद 2 से शुरू करके काट सकते हैं, 2 से, 3 से, इस प्रकार से, या सीधे ही आप इसको बड़ी संख्याओं से भी काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर काटता हूँ इनको 12 से, तो ये 12 से कटेगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो 4/5। तो आपको, आप इसको सीधे भी एकदम से बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, या फिर पहले 2 से 3 से, इस तरह से भी इनको काट के सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो 4/5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा, क्योंकि आगे 4 और 5 अब किसी से निकटते, इन दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ सांझा जो गुणनखंड है वो क्या है, एक है, तो ये अब अपने सरलतम रूप के अंदर है। अगला 150/60, पहले मैंने काट दिया 0 को, 15/6, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, अब 5/2, ये दोनों संख्याएं अब एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी,
तो ये अपने सरलतम रूप में है। सी पार्ट है 84/98, तो पहले हम इसको 2 से भी काट सकते हैं या सीधा इसको हम काट देंगे 14 से। 14 6 84, 14 7 98, तो 6/7 ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। डी पार्ट है 12/52, तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं या इसके अलावा आप इसको 2 से अलावा 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 से काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा 13, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं, तो 3/13 ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अगला है 7/28, इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 चौके 28, 1/4। तो इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को, सभी भिन्नों को सरलतम रूप के अंदर लिख दिया है, उनको तब तक काटते रहेंगे जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। तो यही इसका क्या होगा, सरलतम रूप। प्रश्न संख्या 8 है, रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिलें थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उसने 10 पेंसिल यानी आधी पेंसिलें अपनी प्रयोग कर ली। शीलू के पास 50 थी, उसने भी अपनी आधी पेंसिलें यानी कि 25 प्रयोग कर ली। और जमाल के पास 80 थी, उसने भी अपनी आधी पेंसिल यानी 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। तो सभी ने अपनी कुल पेंसिलों का आधा भाग यानी आधी पेंसिलें प्रयोग कर ली है। तो हमें बताना है कि कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, तो आधी भिन्न हो जाएगी 1/2 भिन्न, क्योंकि उसने अपनी सभी पेंसिलों का आधा भाग प्रयोग कर लिया सभी ने, तो 1/2 भिन्न उन्होंने प्रयोग कर ली। और प्रत्येक के लिए 1/2 है, तो यहाँ पर प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो इसको हल करते हैं, देखिए बच्चों, रमेश के पास कुल पेंसिल थी 20, रमेश ने प्रयोग कर ली 10, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी जितनी पेंसिल उसने प्रयोग कर ली 10, और बटे में कुल पेंसिल 20, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि उसने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, तो भिन्न हो जाएगी प्रयोग की गई पेंसिल बटे कुल पेंसिल, तो 10/20। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 से काटने पर 1/2 भिन्न। इसी प्रकार शिल्लू के पास कुल जो पेंसिल थी वो थी, सॉरी यहाँ पर कुल पेंसिल आएगा, भिन्न कुल पेंसिल, जो कुल पेंसिल थी उसके पास वो थी 50 और प्रयोग कर ली उसने 25, तो भिन्न क्या हो जाएगी 25/50, यानी काट देंगे 25 से, 25 1 25, 25 2 50, 1/2। इसी प्रकार जमाल के पास कुल पेंसिल थी 80, प्रयोग कर ली उसने 40, तो उसने पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, तो 40/80 प्रयोग कर ली बटे कुल पेंसिल 80, 40/80 काट देंगे इसको, 40 से 40 1 40, 40 2 80, 1/2। तो बच्चों यहाँ पर सभी की जो भिन्न है वो 1/2, 1/2 और 1/2 है, यानी कि सभी ने समान पेंसिलों की भिन्न प्रयोग की है, सभी ने पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग कर ली है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। प्रश्न संख्या 9, बच्चों तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। यहाँ पर हमें 5 भिन्न दी हुई इस साइड में और 5 भिन्न इस साइड में दी हुई हैं, हमें तुल्य भिन्नों का मिलान करना है और फिर प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखनी है। यहाँ पर बच्चों मैंने दोनों साइड की भिन्नों को लिख लिया है और इनमें हमें तुल्य भिन्नों का आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो 250/400 है, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 8 40, 5/8 हो जाएगा। दूसरा 180/200, 0 से 0 कट जाएगा,
इसको हम काटेंगे अब दो से, दोनी में 18 और दो दहाई 20, 9/10। इसको भी हम काट लेते हैं, सरलतम रूप में लिखेंगे इसको भी, तभी हम इसको मिलान करेंगे। तो 66/99 इसको हम काट लेते हैं 33 से, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99। आप इसको 33 से नहीं काट सकते, पहले आप इसको 3 से काट लो या 11 से काट लो, तब ये आ जाएगा 2/3। इसके बाद 180/360, 0 से 0 कट जाएगा, काट लो इसको 18 से, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। फिर है 220/550, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो यहाँ पर मैंने सभी भिन्नों को सरलतम रूप में लिख लिया है। अब हम इनके आपस में मिलान करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 5/8, तो ये इसके तुल्य हो जाएगी। फिर है 9/10, ये तुल्य हो जाएगी इसके। फिर है 2/3, ये तुल्य हो जाएगी इस बिन के। फिर है 1/2, ये तुल्य हो जाएगी इस बिन के। फिर है 2/5, ये भिन्न तुल्य हो जाएगी इसके। तो इस प्रकार से हमने इनको आसानी से सर्वोत्तम रूप में लिखने के बाद मिलान कर दिया है। तो बच्चों पहले हमें इन बिनों को सर्वोत्तम रूप में लिखना है और फिर इनको मिलान करना है, उससे हमें आसानी हो जाएगी मिलान करने में। तो इस प्रकार हमने तुल्य भिन्नों का आपस में मिलान कर दिया है। अब आगे क्या करना है, हमें प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे पहले हम लेते हैं 5/8 को, ये वाली भिन्न थी जो हमारे पास, ये तुल्य है इसके 5/8 के। तो इसके तुल्य और दो भिन्न क्या हो जाएंगी, 5/8 के तुल्य हो जाएगी, ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणा कर दो, 10/16। अब 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 15/24। ये हमारे पास दो तुल्य भिन्न हो जाएंगी। इसी प्रकार है 9/10 के लिए, इसके लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 18/20। फिर ऊपर नीचे 3 से गुणा, 27/30। फिर है 2/3, इसके लिए तुल्य हो जाएगी ऊपर नीचे 2 से गुणा, 4/6। फिर ऊपर और नीचे 3 से गुणा, 6/9। इसी प्रकार फिर है हमारे पास 1/2 वाली भिन्न को लेते हैं, ये तुल्य था इसके, या पहले हम इसको ले लेते हैं, चाहे इसको ले ले, किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं 1/2 तुल्य है ये 1/2, तो इसके तुल्य दो भिन्न और हो जाएंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2/4। फिर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम 3 से, 3/6। फिर हमारे पास रह गया इसके तुल्य 2/5 के तुल्य भिन्न, ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 2 10। फिर ऊपर नीचे 3 से गुणा, 2 गुणा 3 6, 5 गुणा 3 15। तो इस प्रकार से हम अनेकों तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। आप 2 से गुणा करने बजाय 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप गुणा करके अनेकों भिन्न बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे दो भिन्न पूछी, इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 से और फिर 3 से गुणा किया। अगर आपसे पूछते हैं 3 भिन्न, इनके तुल्य 3 भिन्न और बताओ, तो 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से गुणा करके, इस प्रकार से हम अनेकों भिन्न बना सकते हैं। तो ये प्रश्नावली बच्चों आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।